और मध्य प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए खबर पर नजर के साथ बने रहिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नवरत्न परिवार के तत्वाधान में जैन समाज के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म एवं दीक्षा कल्याणक प्रसंग पर 3 दिवसीय पारसनाथ भक्ति महोत्सव का आयोजन में आज रथ यात्रा राजवाड़ा से महावीर बाग पर समाप्त हुई। इस दौरान नवरत्न परिवार के संरक्षक ललित सिंह जैन, महासंघ के अध्यक्ष दिलसुख राज कटारिया, नवरत्न परिवार के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष रितेश उस्तवाल ने बताया, जिस यात्रा में दिगंबर और श्वेतंबर समाज शामिल हुआ, इसमें ऊंट रथ बेंद महिला मंडल बेंद इंदौर के तमाम मंदिर मंडल आए। इस यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसी सिलावट और अन्य विधायक आकाश विजय वर्गीय, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम राजनेता मौजूद रहे। इस यात्रा में प्रमुख रूप से श्वेतांबर और दिगंबर समाज के संत मौजूद रहे। पूरे समय पदयात्रा करते हुए महावीर बाग पहुंचे हजारों की संख्या में पूरा जैन समाज उल्लास के साथ यह यात्रा में शामिल हुआ और रास्ते जय पार्श्वनाथ एवं भक्ति गीत गाए गए। यात्रा समाप्ति के पश्चात परम पूज्य अनु योगाचार्य वीररत्ना विजय जी महाराज एवं प्रणाम सागर जी महाराज, परम पूज्य डॉक्टर राजेश मुनि जी महाराज ने अपने वचनों से पारसनाथ जन्म कल्याणक क्यों मनाया जाता है और नवरत्न परिवार की तारीफ करी, जिसके वजह से आज दिगंबर और सितंबर समाज का एक साथ जुलूस निकला और उन्होंने बताया कि संपूर्ण जैन समाज एक हो और सभी आयोजन एक साथ मनाए, ना कि अलग अलग, क्योंकि हम सब महाराज अब एक है तो समग्र जैन समाज भी एक ही होना चाहिए। संपूर्ण जैन समाज ने एक होने के लिए हाथ ऊंचा कर अपनी ओर से हामी भरी। उसके पश्चात आए हुए तत्पश्चात स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया गया, जिसे संपूर्ण जैन समाज ने लाभ लिया। स्वामी वात्सल्य के लाभार्थी श्री कांतिलाल जी बम साहब
आचार्य 108 श्री डॉक्टर परम सागर जी, परम पूज्य अनुयोगाचार्य वीरत्न विजय जी महाराज साहब जी, अभिग्रहधारी परम पूज्य राजेश स्वामी जी, आचार्य दिव्यानंद सूरी जी एवं पाठ बिहार जी, मेरे सभी साथी भगवंतों को मेरा सादर वंदन और प्रणाम। पार्षद प्रभु के जन एवं दीक्षा कल्याण के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशाल रथ यात्रा में पधारे दिगंबर एवं सितंबर समाज के सभी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं उनके सभी पदाधिकारीगण एवं धन प्रेमी बंधु, साथ ही मेरे नवरत्न परिवार के सभी साथी पदाधिकारीगण, नौका परिवार के सभी पदाधिकारीगण, अन्य संगठनों से आए हुए सभी जितने भी जैन धर्म के संगठन है उन सबसे पधारे हुए सभी धन प्रेमी बंधु, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज दिल की गहराइयों से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इस पार्षद प्रभु के जन कल्याण के निमित्त हमने आज से 4 वर्ष पूर्व एक सपना देखा था कि हम पार्षद प्रभु का संभवतः प्रदेश में या देश में कहीं भी ऐसा जन कल्याण दिवस नहीं मनाया जाता है। तो हमारे मन में ख्याल आया नवृत्त परिवार की बैठक में, तो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था हरिद्वार में, वहां पर हमने संकल्प किया कि हम अब इसको 4 साल पहले हमने छोटे रूप में प्रारंभ किया था जो माही बाग से आई नहीं जाता था, लेकिन इस बार ऐसी परिकल्पना हमने आई कि इसको क्यों ना हम शहर लेवल पर करें, लेकिन इसको समग्र जैन समाज के लिए अगर किसी ने मुझे प्रेरित किया है या किसी ने राह दिखाई है तो मेरे आदरणीय कांति आज भवन साहब मुझे इस बात के लिए कहा, और हम सब नवरत्न परिवार के सभी साथियों ने मन में सोचा कि ये बहुत अच्छी बात है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ से और बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी राह दिखाई है। हमने हमेशा सोचा कि धर्म को श्री प्रभु पार्श्वनाथ भगवान शरणम, श्री गुरु शरणम, आज हमारे पास परम 108 आचार्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज साहब, अनुयोगाचार्य वीररत्न विजय जी महाराज साहब, महाराज साहब एवं समस्त साधवी भगवंतों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन भी करता हूँ। साथ ही इस आयोजन के प्रमुख नवरत्न ग्रुप, उसके लीडर श्री ललित जैन, उनके समस्त पदाधिकारी और जैन समाज के समस्त वरिष्ठ लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सबको वंदन करता हूँ। मुझे समय की सीमा दी गई है आयोजकों ने 5 मिनट की, मैं कोशिश करूँगा अपनी बात 5 मिनट में पूरी करूँ, अगर 1-2 मिनट आप ज़्यादा कर दिए तो मैं निवेदन करूँगा जिनेश्वर जी से कि मुझे माफी दे। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक और जन्म कल्याणक बनाने। हम ये जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक सब क्यों मनाते हैं और उनके पीछे मनाने का क्या औचित्य है, उसका एकमात्र जो मैं अपनी छुट्टी बुद्धि से समझ सका हूं कि हम उनके द्वारा समाज में की गई सेवाओं को अविरत रूप से अपने आप को जागृत करते रहें और हम अपनी कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करते रहे। भगवान प्रभु पार्श्वनाथ के बारे में आचार्य श्री बैठे हैं, अनुराचार्य जी बैठे हैं, आचार्य श्री ने अभिग्रहधारी हो गए हैं, तो मैं योग्य नहीं हूँ कि भगवान पार्श्वनाथ के बारे में कुछ बोल पाऊँ, पर जैसे प्राथमिक स्कूल में बच्चा पढ़ता है ऐसा मैंने कुछ पढ़ा है।